एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ का बड़ा असर हुआ है। कल रात 10 बजे हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से यूपी के 4 जिलों में सिर्फ कागजों पर अधिकारी इलाके के शौच मुक्त होने का दावा कर रहे हैं। अब घंटी बज गई है। जी हां, एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पंचायती राज विभाग की टीम बिजनौर, मेरठ और शामली के गांव में दौरा करने पहुंची है। जिन लोगों के घर शौचालय नहीं बने उनकी सूची भी तैयार की जा रही है। तो एबीपी न्यूज ने शौच मुक्त होने के दावे की पोल खोलकर रख दी थी और ये बताया था कि ये सब कागजों पर हो रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह हमारे साथ जुड़ गए और रक्षित, उसी रिपोर्ट का जो हमने घंटी बजाओ में दिखाई थी, असर हुआ है बड़ा? जो हमारी गांव वालों से बात हुई और जो जिले पे पंचायती राज विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को कबूल किया कि एबीपी न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद में बिजनौर का गंगा किनारे का जो रावली गांव है वहां पर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यानी के सीडीओ जो हैं डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी इस वक्त खुद गांव में मीटिंग ले रहे हैं। पूरा का पूरा स्वच्छता अभियान जो है वो सुबह 9 बजे से शुरू हो गया है और जिन लोगों के घर पे टॉयलेट नहीं बने उन सबके साथ मीटिंग करके टॉयलेट किस तरीके से आगे भविष्य में बनाए जाएंगे उनके घर पे वो पूरी की पूरी रणनीति तैयार हो रही है। वहीं शामली की अगर हम बात करें तो शामली में डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर जो है उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि जो 2 गांव हमने दिखाए थे उसमें पंचायती राज विभाग ने जेसीबी मशीन्स वगैरह लगा के पूरी साफ सफाई करवा दी है और जो लोग बेसलाइन सर्वे से जिनका नाम बाहर था उनको किस तरीके से इंक्लूड किया जाएगा, किस मॉडल के तहत उनके घर टॉयलेट बनाए जाएंगे, वो पूरी की पूरी सूची पर फिलहाल काम हो रहा है। पूरा जिला प्रशासन इस वक्त मंथन कर रहा है कि किस तरीके से उनके घर पे टॉयलेट बनेंगे। वहीं मेरठ में जहां हमने दिखाया था कि सिर्फ गड्ढे के नाम पर एक पत्थर डाल दिया गया और गड्ढे असल में खुदे ही नहीं टॉयलेट के, वहां पर सबसे बड़ी बात है कि सिसौला खुर्द में इस वक्त डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, हर टॉयलेट की चेकिंग हो रही है। तो एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ का बड़ा असर हुआ है। जी बिल्कुल रक्षित, आपके उस रिपोर्ट की हम क्लिपिंग्स भी दिखा रहे हैं। तो बड़ा असर एबीपी न्यूज की खबर का, जहां अब जहां जहां सिर्फ कागजों पर शौचालय बने हैं ऐसे घरों की बन रही है सूची। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।